आज जो गाने का लिसन करने वाले हैं जादू तेरी नजर पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोग सीखे थे जो इंट्रो पोर्शन है उसका हम लिसन सीखे थे टैप्स के साथ, और आज सीखेंगे हम कॉर्ड्स। तो गाने का जो पूरा कॉर्ड्स मैं आपको बताऊंगा विद कैपो और विदाउट कैपो में, ठीक है। लोगों को विद कैपो में डेमो दूंगा, लेकिन उसका इक्विवेलेंट जो बार कॉर्ड्स है मैं बता दूंगा विदाउट कैपो में क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि विद कैपो में जो ओपन कॉर्ड सेट में मैं बजाऊंगा तो ज़्यादातर दोस्तों को मतलब ओपन कॉर्ड्स बजाने में आसान होता है, इसलिए मैं ओपन कॉर्ड में बताऊंगा, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट लेवल में है जो बार कॉर्ड बजाना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूंगा कि उसका इक्विवेलेंट बार कॉर्ड्स कौन सा होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस गाने के लिए हमको जो कॉर्ड्स चाहिए, पहले तो मैं ओपन बताऊंगा कैपो के साथ। तो कैपो को आपको गाना एफ शार्प माइनर पे ओरिजिनल गाना बना हुआ है, तो आपको कैपो सेकंड फ्रेट में रखना है और ई माइनर सेफ में आपको बजाना है। तो कैपो को अगर सेकंड फ्रेट में रख दिए तो नॉट, ये नॉट पोजीशन हो गया आपका, ठीक है। कैपो मतलब नॉट बन गया और ये फर्स्ट फ्रेट हो गया, ये सेकंड फ्रेट, तो यहाँ पे ई माइनर का पोजीशन में आपको बजाना है गाना, ठीक है। तो ओपन सेफ में जो अभी ई माइनर सेफ में जो कॉर्ड्स आएगा विद कैपो के साथ, तो उसके लिए आपको ई माइनर कॉर्ड्स आना चाहिए। नेक्स्ट कॉर्ड जो आना चाहिए डी मेजर, उसके बाद जो कॉर्ड्स आना चाहिए आपको सी मेजर, उसके बाद जी मेजर, और एक कॉर्ड आपको आना चाहिए वो है ए माइनर। तो ये बहुत ही आसान, मतलब बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बहुत ही आसानी को मतलब आसान कॉर्ड से आप बजाने के लिए ई माइनर डी सी जी और ए माइनर सारे ओपन कॉर्ड्स हैं और बहुत ही इजी कॉर्ड्स है, और स्ट्रमिंग पैटर्न भी बहुत आसान है। गाना आपको बहुत आसानी से मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी चलिए दोस्तों मैं आपका इक्विवेलेंट विदाउट कैपो बार कॉर्ड्स में क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको। तो अभी मैंने जो ई माइनर बताया, तो गाना अगर कैपो नहीं हिला रहे हैं तो इसको एफ शार्प माइनर बार कॉर्ड ऐसे पकड़ना है, ठीक है। ये एफ शार्प माइनर हो गया, फिर डी मेजर के बदले में आपको ई मेजर होल्ड करना है, ठीक है। और सी मेजर के बदले में आपको डी मेजर बजाना है, ठीक है। उसके बाद जी मेजर के बदले में ए मेजर बजाना, ए मेजर लेना है। फिर ए माइनर के बदले में आपको बी माइनर लेना है। यही है मतलब विदाउट कैपो का कॉर्ड्स, ठीक है। ई माइनर के बदले में आपको एफ शार्प माइनर लेना है, ठीक है। उसके बाद ई मेजर के बदले में आपको, सॉरी डी मेजर के बदले में आपको ई मेजर लेना है, सी मेजर के बदले में आपको लेना है डी मेजर, जी मेजर के बदले में लेना है आपको ए मेजर, और ए माइनर के बदले में आपको लेना है बी माइनर। इतना ही कॉर्ड्स है आपको, बस ध्यान रखना है मैं जो कैपो लगा के सेकंड फ्रेट में आपको मैं दिखाऊंगा, आपको बस उसका इक्विवेलेंट कॉर्ड बजाते जाना है अगर आप विदाउट कैपो बजाना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको स्ट्रमिंग पैटर्न बताता हूँ, बहुत ही ईजी है स्ट्रमिंग पैटर्न, ठीक है। बेसिक है 4x4, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, डाउन डाउन अप अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन। बहुत सारा गाने में हमने ये यूज किया है, बहुत सारा गाने में, मतलब आप मेरा बहुत सारा लेसन देखिए, और ज़्यादातर बॉलीवुड गाने में मतलब ये यूज होता ही है 4x4 ऑलमोस्ट, स्पेशली 90s सॉन्ग वगैरह मतलब, ठीक है। तो 4x4 का ये कॉमन पैटर्न है, ठीक है। तो मैं आपको स्लोली बताता हूँ, डाउन डाउन अप डाउन, 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 ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रमिंग पैटर्न, उम्मीद करता हूँ आपको मतलब समझ में आया है। अगर नहीं आया तो मेरा एक इसी स्ट्रमिंग पैटर्न का एक लेसन है, फाइव डिफरेंट वेरिएशन बेसिक वेरिएशन के साथ, इसी स्टार्टिंग पैटर्न का मेरा एक लेसन है विथ फाइव डिफरेंट वेरिएशन, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सीख सकते हैं अच्छे से। अगर इसको अगर मतलब सीखना है तो रिपीट करके भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका गाने का कॉर्ड्स अरेंजमेंट कहाँ कहाँ पे कॉर्ड चेंज होता है, ठीक है। फिर मतलब ये सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे मतलब ओरिजिनल गाने के साथ मतलब इसको बजाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ,
जादू ई माइनर तेरी नजर नजर पे आपका एग्जैक्टली डी मेजर आएगा ठीक है ई माइनर से शुरू हुआ जादू तेरी नजर नजर पे आपका डी मेजर आएगा ठीक है खुशबू डी मेजर पे रहना है तेरा बदन ई माइनर पे आना बदन पे एक बार ई माइनर आ जाएगा फिर से बताता हूँ जादू तेरी नजर नजर पे डी मेजर खुशबू तेरा ई माइनर बदन ठीक है उसके बाद फिर से रिपीट होगा जादू तेरी नजर डी मेजर खुशबू तेरा बदन यहाँ पे एक सी मेजर आएगा ठीक है बदन जो लास्ट वाला एक्सटेंडेड हमिंग है उसको सी मेजर पे आएगा ठीक है ये बात आपको याद रखना है जादू तेरी नजर डी मेजर खुशबू तेरा बदन ई माइनर सी मेजर ठीक है उसके बाद तू हाँ कर तू हाँ हाँ पे एग्जैक्टली तू तू जो हो मतलब गैप में रहेगा और हाँ कर डी मेजर फिर बीच में मतलब पीछे एक गिटार वॉइसिंग है टैंग 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 उसमें आएगा आपका ई माइनर तो क्या होगा बदन तू हाँ कर टैंग 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 या ना कर फिर मतलब आपका डी मेजर आएगा टैंग 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 ई माइनर ठीक है तो क्या होगा तू तू हाँ कर टैंग 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 ई माइनर या ना कर टैंग 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 फिर होगा क्या तू हाँ कर डी मेजर या ना कर ई माइनर ठीक है ये बस आपको थोड़ा याद रखना है ठीक है मैं फिर से बताता हूँ तू हाँ कर टन 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 ई माइनर या ना कर डी मेजर टन 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 फिर होगा क्या तू हाँ कर डी मेजर या ना कर ई माइनर ठीक है ये दो बार में मतलब दो वैरायटीज है ठीक है आपको बस मैं जब बजाऊंगा तब मतलब पता चल जाएगा अगर मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया तो प्लीज रिपीट कर लीजिए आपको समझ में आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट तू तू है मेरी मेरी जो है सी मेजर तू हाँ कर टन 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 या ना कर टन 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 फिर तू हाँ कर डी मेजर या ना कर ई माइनर तू है मेरी जो है ये सी मेजर होगा मेरी किरण ई माइनर तू है मैं पे सी मेजर आ जाएगा मेरी किरण ई माइनर ठीक है तो ये है मुखड़ा मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ रिदम के साथ जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन तू हाँ कर ये है आपका मुकड़ा अभी अंतरा में चलते हैं ठीक है अंतरा में चलते हैं ठीक है मेरे ख्वाब ये जो है यहाँ पे आपका जी मेजर रहेगा मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू में सी मेजर ठीक है मेरे ख्वाब जी मेजर मेरे ख्वाब यहाँ पे जी मेजर रहेगा ख्वाबों की तस्वीर है तू में सी मेजर बेखबर मेरी तक यहाँ पे तक दिल जो है तक में आपका ई माइनर आ जाएगा तक दिल है तू फिर से रिपीट होगा मेरे ख्वाबों की तक है तू मेरे ख्वाबों की जी में जा तस्वीर है तू बे सी में जा बेखबर मेरी तक तक पे ही माना आ जाएगा तक देर है तू किसी पे तू किसी पे यहाँ पे आपका ए माइनर आ गया और की जो है डी मेजर हो ना जाना ई माइनर ठीक है तू किसी ए माइनर और की डी मेजर हो ना जाना ई माइनर बैक ठीक है कुछ भी कर यहाँ पे आपका कर जो है ए माइनर जाऊंगा यहाँ पे डी मेजर आ जाएगा मैं दीवाना सी मेजर होगा
मैं दीवाना हाँ सी मेजर ठीक है फिर से बताता हूँ तू तू किसी और की डी मेजर हो न जाना ही मैंने कुछ भी कर मैंने जब भी जाऊंगा डी मेजर मैं दीवाना ई माइनर सी मेजर ठीक है फिर सेम हो जाएगा तू हाँ कर टन 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 या ना कर टन 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 तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण तू है मेरी किरण बैक ठीक है तो इसको अभी रिदम के साथ करते हैं मेरे ख्वाबों की तस्वीर है बेखबर मेरी तकदीर है तू मेरे ख्वाबों की तस्वीर है बेखबर मेरी तकदीर है तू किसी और की हो न जाना कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना तू हाँ कर फर्स्ट मुखड़ा हो गया सॉरी ये आपका फर्स्ट अंतरा हो गया अभी सेकंड अंतरा पे चलते हैं सेकंड अंतरा पे सब कुछ सेम ही है फर्स्ट अंतरा जैसे ही जाएगा लेकिन तो भी मैं बता देता हूँ क्योंकि आप लोग में बहुत कोई बिगिनर होंगे तो उनके लिए बेस्ट रहेगा फासले जी मेजर और कम हो रहे फासले जी मेजर और कम हो रहे हैं जो है सी मेजर आएगा ठीक है फासले जी मेजर और कम हो रहे हैं सी मेजर दूर से पास हम यहाँ पे ई माइनर आएगा हम हो रहे हैं फिर से रिपीट होगा फासले जी मेजर और कम हो रहे हैं सी मेजर दूर से पास हम पे एग्जैक्टली ई माइनर आएगा हो रहे हैं मांग लूंगा तुझे आसमां से मांग लू यहाँ पे आपका ई माइनर लूंगा तुझे डी मेजर आसमां से मां से ई माइनर बैक मांग लू यहाँ पे ई माइनर लूंगा तुझे डी मेजर आसमां से ई माइनर छीन लू जो है यहाँ पे ए माइनर गा तुझे फिर डी मेजर तुझे डी मेजर इस जहां से ई माइनर सी इस जहां से सी मेजर फिर सेम तू हाँ कर डी मेजर या टन ई माइनर तू ना कर या ई माइनर तू हाँ कर डी मेजर या ना कर ई माइनर तू है मेरी सी मेजर किधर ई माइनर ठीक है तो ये है आपका सेकंड अंतर इसको रिदम के साथ मैं नहीं कर रहा हूँ आपको बस कॉर्ड बता दिया अभी चलिए हम लोग ओरिजिनल गाने के साथ बजा के करेंगे मैं गाने के साथ मैं बजा के आप लोगों को इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप भी उसके साथ बजा सकें सीखने के बाद और आपका टाइमिंग जो है पूरा सही हो जाए ठीक है तो और मैंने जितना भी कॉर्ड्स मैंने ढूंढ के निकाला है वो बिल्कुल ओरिजिनल गाने के साथ जाता है तो आप बजा सकते हैं और जो दोस्त लोग कैपो विदाउट कैपो बजाना चाहते हैं मैंने जैसे बोल दिया जो कॉर्ड्स इक्विवेलेंट कॉर्ड्स है बिगिनिंग में आप उसको मतलब समझ के आप कर सकते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों अभी ओरिजिनल गाने के साथ हम बजा के इसको प्रैक्टिस करते हैं Oh,
जादू तेरी नजर कॉर्ड्स लेसन। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा है, प्लीज कमेंट में लिखिए आपको कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट गिटार लेसन, हैव अ नाइस डे।